يطرب فلي الشعر ألحان وأنغام وسمير. Yes, hi, assalamu alaikum everyone, and my name is Ayman Tariq and I was here to learn NLP. Hello everyone, this is Yasir Ali from KPK. I am here to attend the NLP training. Today is the last day of our training. और मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ नई चीजें सीखी हैं। जब मैं इसमें कामयाब हुई और मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरी जिंदगी का बहुत ही अच्छा डिसीजन है और जो फैसले इंसान की जिंदगी को चेंज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बस अपनी फीलिंग्स का इस तरह से इजहार करना चाहूंगी कि मैं तो उस लम्हे के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसमें अल्लाह ने मुझे हदायत दी और इल्म की जस्तजू मेरे अंदर पैदा हुई, और इसमें साथ साथ गाइड करने में मेरे उस्ताद मोहम्मद अली का बहुत बड़ा हाथ है। और एक और बहुत बड़ा हाथ है कि ये जो आज मैंने आपके सामने थोड़े पहले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें बताई हैं। बीच में मैं पीछे से निकली थी लेकिन फिर आपने मुझे किस तरह से दिलाए हैं, ये उसका भी शुक्रिया अदा करूँगी। लेकिन मैं जब यहाँ आया मुझे एक बचपन में सुनी हुई बात का जवाब मिल गया। क्या बात थी? वो ये बात थी कि तोल के बोलो, जुबान संभाल के बात करो। और साथ में जो हमारे टीचर थे, जो हमारे ट्रेनर थे मोहम्मद अली साहब, इनकी भी मैं इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत ही आसान अंदाज में, बहुत ही फ्रेंडली वे में और बड़े ही लाइवली एक अंदाज में, हल्के फुल्के तरीके से लेकर वो चले इस कोर्स को। बहुत दफा वहाँ से भी बहुत दफा हमने जो है वो डिस्कस करना शुरू किया, फिर मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया, तो मैं सर के साथ अपना इल्म भी डिस्कस करते करते मैं इस काबिल हो गई हूँ कि आज मैं किसी के सामने स्टेज पे खड़ी होके अपनी सोच का और अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हूँ। और दूसरा ये कि तनीज ने मुझे जो आज एक बात सिखा दी कि किसी को अपने लेवल पे नहीं लाना है, हमने उसके लेवल पे जाके बात को समझाना है अपनी को और समझना भी है। ये बात दूसरा ये